बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक आज जयपुर में बुलाई गई। बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने कहा कि इस बैठक में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे शामिल नहीं होंगी। इस बीच जब उनसे पूछा गया कि विरोधी कहते हैं गहलोत और वसुंधरा एक हैं, तो उन्होंने कहा कि राजे की बहू की तबीयत नासाज है, इसलिए वो इस बैठक में नहीं आएंगी। इस दौरान उन्होंने सचिन पायलट और सीएम अशोक गहलोत पर भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने सीएम अशोक गहलोत पर निशाना साधते हुए कहा कि वो मंत्रिमंडल विस्तार टालना चाहते हैं ताकि सचिन पायलट ग्रुप दबाव ना बना पाए, लेकिन ये आपकी पार्टी की समस्या है, आपके अंदरूनी झगड़े का मामला है। इसमें राजस्थान की जनता का क्या कसूर है जो बार बार निकाय चुनाव टुकड़ों में कराए जा रहे हैं। बकौल अरुण सिंह, गहलोत कहते हैं कि अभी चुनाव चल रहा है इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार बाद में करेंगे। अरुण सिंह ने कहा कि पायलट गहलोत गुट से राजस्थान का नुकसान हो रहा है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी ने जय श्री राम के नारे पर कहा कि करोड़ों हिंदुओं के हृदय से ये नारे निकलते हैं, लोगों ने अपनी जान की आहुति दी फिर ये गौरव प्राप्त हुआ है। ममता बनर्जी को भी जय श्री राम का नारा लगाना चाहिए, आखिर ममता और कांग्रेस ये नारा क्यों नहीं लगा रहे। अरुण सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजस्थान को 15 से 20 साल पीछे ले जाने का काम कांग्रेस सरकार कर रही है। राज्य में तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स हो रही है, महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उन्होंने पूर्व की सरकार की योजना गिनाते हुए कहा कि अन्नपूर्णा रसोई योजना, भामाशाह कार्ड योजना, जल स्वावलंबन योजना, गौरव पथ समेत अन्य योजनाओं को बंद कर दिया गया। पिछली बीजेपी सरकार के विकास के काम बंद करके जनता को क्यों दंड दे रही है गहलोत सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, एसपीएन 9 न्यूज। We'll be right back.